इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पेटीएम से आप अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो SBI है, SBI का योनो जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन जो SBI का योनो है, ये भी नहीं काम कर रही थी। अभी भी बहुत सारे लोगों का काम नहीं कर रहा होगा। और फ़ोनपे जो एप्लीकेशन है, इसमें भी बहुत सारे इशूज़ थे, ये भी जो आप बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे थे या फिर इससे आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में पेटीएम का एप्लीकेशन है, तो कैसे आप जो कि पेटीएम से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में चेक करके मैं भी बता रहा हूं, आप जो कि पेटीएम से भी अपना बहुत ही इजी तरीके से आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने पेटीएम को ओपन करेंगे। और भी ट्यूटोरियल आपको पेटीएम से रिलेटेड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन आप हमारे वीडियो को चेक कर सकते हैं कि पेटीएम में कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे पैसा ट्रांसफर करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड मनी टू में आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको सेटिंग का आइकन आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम आपका जो पेटीएम में होगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे UPID जो भी होगा पेटीएम का आपको शो करेगा। अगर आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक लगा रखा हो तो वो भी आपको शो करेगा। मेरा डिफॉल्ट है तो यहाँ पे मैंने कुछ अपना जो कि पर्सनल डिटेल हाइड कर रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरा UPID में मेरा मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है तो मैंने हाइड कर दिया है। तो नीचे फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट लिंक अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। डिफॉल्ट लिंक रिसीव मनी में आप का बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है पेटीएम में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो हमने बना रखा है कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे, एक होगा रिमूव अकाउंट, यहाँ पे चेंज पिन, और यहाँ पे चेक बैलेंस। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप सभी को पता है कि आपका जो UPI पिन है, जो कि सिर्फ आप ही को पता होता है, वो पिन आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और पिन एंटर करने का सिंपली आप यहाँ से ओके करेंगे। और ओके करने का आप देखेंगे आपका जो बैलेंस होगा, यहाँ पे लिख रहा है अनबिलेबल टू चेक बैलेंस। तो यहाँ पे अभी फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं, UPI पिन हमने एंटर कर दिया और देखते हैं मेरा यहाँ पे बैलेंस जो शो हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा कितने रुपये बैलेंस है। तो इस तरीके से आप पेटीएम से भी आप इजीली तरीके से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।